स्टूडेंट, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर दैट शुड बी एग्जिस्ट इन एनी पार्टनरशिप फर्म, अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉट ए पार्टनरशिप फर्म. द फर्स्ट फीचर दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज टू आर द मोर पर्सन. यानी कि जब हम कोई पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने ही चाहिए, अदरवाइज इसको पार्टनरशिप फर्म हम नहीं बोल सकते. या तो जब वो सिंगल रहता है तो वो सोल प्रोप्राइटर हो जाता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग ज्वाइंट होकर के कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप. सेकेंड फीचर है एग्रीमेंट. पार्टनरशिप अगर कोई बिजनेस कोई इस्टेब्लिश है उनके बीच में एक इम्प्लाइड कंडीशन हो सकता है या फिर एक्सप्रेस कंडीशन हो सकता है कि जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट की बॉन्डिंग करता है जिसके बिहाफ पे वो एग्रीमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उनके बीच में एक इम्प्लाइड जो है एग्रीमेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट ए पार्टनरशिप फर्म. थर्ड फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. उनके बीच में एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, यानी कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म कर रहा है तो वो बिजनेस होना चाहिए न कि और कोई चीज़. हम अदरवाइज चैरिटेबल उसको बोलेंगे. सपोज करिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसका मोटिव जो है प्रॉफिट नहीं है, चैरिटेबल है, हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. ठीक है, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. इसका फोर्थ फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. पार्टनरशिप फर्म के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, अदरवाइज इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते हैं. क्योंकि अगर जो पार्टनर सभी लोग मिलकर के एक साथ बिजनेस को रन कर रहे हैं तो सभी को प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए, उनके बीच में चाहे कम हो ज्यादा हो, जो भी उनका एग्रीमेंट में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप का शेयरिंग प्रॉफिट का करना चाहिए. ठीक है,